आए हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में, जो कि प्रगति मैदान में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का प्रगति मैदान है। तो लेट्स गो, अब हम अंदर चलते हैं। ये है हमारी मेन एंट्री एंड प्रगति मैदान से आपको ऑटो लेना पड़ेगा या आप रिक्शा भी ले सकते हो। प्रगति मैदान जो बैकग्राउंड है उसके बिल्कुल साथ में ही है। एंट्री करते ही हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और गाइस इस टाइम अभी यहाँ पर एंट्री जो है वो फ्री थी, और बाकी मैंने आपको एंट्री टिकट दिखा दी है। ऑडियो गाइड अगर आपको लेना है तो 60 रुपीज़ हिंदी के, इंग्लिश के 100 रुपीज़ लगेंगे। और ये नो स्मोकिंग जोन है। हम पहले अंदर चलते हैं म्यूज़िक गैलरी में। देखिए यहाँ पे एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से होगी। इसको चलते हैं तो वेलकम। यहाँ पर आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हो। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे आप जा सकते हो। फॉक एंड ट्रेवल गैलरी। और ये गाइस ये ना पूरा गांव की थीम की तरह है, जो गांव की थीम होती है ना बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये आर्ट है, जैसे पहले आर्ट होती थी गाँव में। और आजकल काफ़ी जगह भी ऐसे बीच में तुलसी रखी जाती है, तो ये वो है तुलसी का पेड़ है बीच में पूजा के लिए। ये है लकड़ी का रथ। ये देखो कितना बड़ा रहता है, ये पूरा ऊपर से कवर किया हुआ है। और ये रहा फ्रंट से, ये देखो वो रहा सिंहासन इनका। ये देखो सीरियल बिल्कुल ऐसा ऐसा बाहुबली मूवी में था ना, बिल्कुल वैसा ही। गाइस यहाँ पे जो कपड़ों से जो भी इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है वो सारा दिखा हुआ है, कि कपड़ों से हम किस किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ये देखो ऐसे पंजाब में फुलकारी चुन्नी होती है, अब तो वो वाला कपड़ा यूज़ करा हुआ है। गोटा पट्टी भी है, अलग अलग वस्त्र है। और यहाँ पर गाइस ये नेचुरल डाइज के बारे में दिया हुआ है, जैसे कपड़े को डाई करते हैं ना तो उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कपड़ा बनता है ये धागो धागो से करके कपड़ा बनता है, तो पूरा यहाँ दर्शाया हुआ है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये धागा है, तो यहाँ पे वो प्लेट्स में करके दिखाया हुआ है, एक साथ कैसा लग रहा है। सो गाइस वस्त्र का दिन, जैसे कि हम वस्त्र वाले डिपार्टमेंट में हैं, तो यहाँ पे ये शॉल बनी हुई है और कालीन बने हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको अलग तरीके के वस्त्र दिखाए थे फुलकारी टाइम के, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये गुजराती की वस्त्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धागा कैसे बनता था, वस्त्र कैसे बनते थे, तो ये उसकी मशीन थी। ये देखिए यहाँ पे ये धागा बनता हुआ दिखाया है, कैसे वहाँ से वो होकर ये देखो ऊपर कितना सारा धागा बन रहा है। तो यहाँ पर पूरा ब्रीफली आपको दिखा रखा है कि धागा कैसे बन रहा है। और साड़ी यहाँ पर आपको साड़ी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड की साड़ी है। आपको वस्त्र के ऊपर और डिज़ाइन देखने को मिलता है, डेकोरेशन वर्क, वो अलग अलग वर्क होते कढ़ाई होती है। तो इस एरिया में वो दिखाया हुआ है कि कपड़ों के ऊपर कैसे अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन कर रहे हैं। लाइक ये देखिए आप ऐसे कलरफुल डिज़ाइन है, और ये देखिए आप शॉप के ऊपर ऐसे डिज़ाइन है शॉल साइज। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है कलर, ये बहुत सुंदर है। देखिए तो हम खादी के बारे में इसे तो गाइस यहाँ पर कस्टमर्स ऑफ इंडिया दे रखा है। यहाँ पर क्या सीन है, जैसे कि आपको यहाँ पे शॉल दुपट्टा बॉटम वेयर वगैरह यहाँ पे जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे चाहिए साड़ी की इन्फॉर्मेशन, इसे ड्रैग करके मुझे यहाँ करना होगा। देन साड़ी आ गई, अब इसका कलेक्शन दिखाना है, कौन से मटेरियल में होती है, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं कल्चर गैलरी में, जो कि है अनुष्ठानिक विधि। तो यहाँ पे जैसे कि रथ वगैरह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लाइक आइए अब यहाँ पर आपको थोड़ी आर्ट की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये देखिए ये स्टैचू टाइप रखे जाते हैं, और वो देखिए ये किसी चीज़ ये यूज़ में भी आती होंगे, और वो देखिए बैलगाड़ी बोलते हैं उसे, और उसे भी उसमें ले जाता था पहले के टाइम में। तो यहाँ पर आपको ऐसा सब कुछ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर पीतल में भी यहाँ पे बर्तन मिलेंगे, और ये स्पेशली दियो के लिए डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था पहले। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी डेकोरेटिव की भी, जो कि बहुत एंटीक है, बहुत पुरानी है। ये देखिए
लाइक किसी के एंट्रेंस के लिए रखा जाए या फिर इसके साथ के सिंहासन रखा जाए, पहले इस तरीके से यूज़ होती थी ये सब चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे पुराने ज़माने के, यहाँ पे पीतल के आपको बर्तन मिलेंगे एंड शोपीस मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो मस्ट विजिट हियर। एंड ये देखिए यहाँ पर हम हमारे हनुमान जी हैं। यहाँ पर आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि देखिए ये तो गाइस सुपर है, मतलब किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से नक्काशी की गई है, वाह। ये देखिए यहाँ पर रावण भी बनाए गए हैं, अभी दशहरा गया था। ये देखिए नाइस, वेरी नाइस गाइस। और ये देखिए ये मंदिर है छोटा सा, जिसे खोल के मतलब अंदर ये मंदिर है, इसके अंदर मूर्ति वगैरह रख दीजिए, आपको जिस तरीके से यूज़ करना वो लीजिए। लेकिन है ये टेम्पल भी, बस यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदू के बारे में मिलेगा, यहाँ पर आपको हर धर्म के बारे में मिलेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस्लामिक धर्म के बारे में जो मुहर्रम बनाया जाता है उसकी यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक एक कुरान रखने के लिए है और इस्लामिक है ये सारा कुछ, देखिए उस पर इस्लामिक कुछ लिखा हुआ, मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए मैं इतना बता नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये कलमा है गाइस। और ये देखिए जो मुहर्रम में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं ये सारी वो चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं और धर्मों को भी दर्शाया गया है। 17th century का बाउल है, मतलब जिसमें खाना बनाया जाता था, देखिए इस तरीके से रहता था। आजकल बर्तन गहरे गहरे होते हैं तो ये इतना गहरा नहीं है, नॉर्मल है, पर अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अलग तरीके से था। अगर यहाँ पर एक न्यू है पपेट्स ऑफ इंडिया, इसे देखिए हम अपने आप इसे खेल सकते हैं। ये देखिए इसे यहाँ से ट्रैक कीजिए और इसे पपेट्स को यहाँ तक लेके जाइए, ऊपर नीचे कैसे करके घुमाइए। तो ये एक गेम है, बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखो ये मैं इसके हाथ यहाँ से हाथों के लिए ये है, दूसरे हाथों के लिए ये है। अगर मुझे ट्रैक करके इधर लाना है तो मैं यहाँ ला सकती हूँ, पूरा पपेट गेम है, बहुत इंजॉय। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर तरीके से एग्जीबिशन का। वाओ गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको देख के बता दूँ क्या है, ये है नवाब राधनपुर के महल के प्राप्त लकड़ी का नक्काशदारी झरोरा, जो कि उत्तरी गुजरात में पाया जाता है, 18वीं सदी का है, मतलब 18th century का। बहुत अच्छा, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, वाह गाइस, मतलब क्या नक्काशी की गई है, मतलब उसमें से आप देख भी सकते हो, ऑसम है, ऑसम। और यहाँ पर ये रूम्स बने हुए हैं, अंदर तो नहीं जा सकते हम, मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये छोटा सा रूम है, लाइटिंग की गई है, बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मुझे थोड़ा। हमें बस यहाँ तक ही आने की परमिशन है, इसके अंदर हमें सिर्फ कैमरा घुमाना पड़ेगा, उसी से आप देख पाओगे। ये देखिए गाइस ये इस तरीके से थोड़ा अंदर से दिखता है, यहाँ पे हमें परमिशन नहीं है। और हाँ गाइस आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पर आपको जो भी सामान दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वो 19th century से 20th century तक का है। ये देखिए सिंधु जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी बड़ी, मैं तो आज देख रही, इससे मैंने पहले नहीं देखा है, बहुत अच्छी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लगती है। और ये जगह जगह पे हमें रोशनी देखने के लिए मिलती थी, जिसमें दिए मोमबत्ती वगैरह लगाई जाती थी, तो वो यही स्टैंड है, नीचे नक्काशी है, इसमें आप दिए लगा सकते हो, मतलब हम तो नहीं लगा सकते पर पहले इसी तरीके से यूज़ होती थी। और यहाँ पर ये देखिए ये पतीला है, मतलब इसमें मे भी खाना बनाया जाता होगा, मुझे नहीं पता। और ये भी एक तहखाना टाइप है, संदूक टाइप है, मतलब अलग अलग वैरायटी हुआ करती थी पहले। ये देखिए गाइस बैग, बैग हमारे सिंगल बेड भी आई थी, इससे बड़े होते हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर नक्काशी की गई है, ये देखिए वो भी राजा महाराजा वाले, क्योंकि ये उसी टाइम का था तो ऑब्वियस है। गाइस अब हम जा रहे हैं ऑडियो विजुअल रूम में, वहाँ पर आप बैठ के आराम से यहाँ पे आनंद ले सकते हो। सामने टीवी चल रहा है, आप आराम से बैठ के यहाँ पे देख सकते हो हमारे हमारे प्रगति वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। सो गाइस यहाँ पर आपको पॉप एंड ट्यूलिप के बारे में बताया गया है, लाइक कठपुतली होती है जो बाहर जो पूरा भटपाटन टाइप का जो होता है पूरा, उसके बारे में दिखाई। देखिए यहाँ पर आपको मास्क दिखाया, मास्क पहनते हैं वो जो कि आज के टाइम में भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आपको कठपुतली दिखाई गई है, कठपुतली खेली जाती है, तो ये कैसे किस तरीके से होते हैं। और ये बंगाल का जो ग्रामीण जगह जो होती थी उसके बारे में दर्शाया गया है। और भाई सी देखिए इसे मवाली झूला बोला जाता है, क्यों,
क्योंकि देखिए इसके ऊपर ये कोई बैठे हुए हैं, ऊपर बंदर वगैरह दिखे दिए हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों बोला जाता है, एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये बैठे हुए हैं, क्या पता है इनका नाम है। अच्छा भाई से देखिए यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है भूत, जो कि पता नहीं क्या भूत को दर्शाता है क्या ये सारा ब्लैक वगैरह। अभी ये स्टार्ट नहीं है, 2-3 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, सारी लकड़ी से मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इन्हें भूत का नाम दिया गया है। यहाँ पे सारा मेटल क्राफ्ट है, और ये देखे हुक्का कितना यूनिक लग रहा है, यूनिक एंड डिफरेंट। एक में से 3 पाइप है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये सारा जो है यहाँ पर वो सारा आपको मेटल क्राफ्ट का ही मिलेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं विलेज कॉम्प्लेक्स में, जो कि है ग्रामीण झांकी। इसके अंदर हमें सारा गांव से रिलेटेड मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये पिजन हाउस है, कितना अच्छा स्टैचू है ये, मतलब पिजन के लिए भी क्या फैसिलिटी की गई है, वाह। तो हम चलते हैं अंदर। ये देखिए स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर झोपड़ी देखने को मिल गई है, हट मिल गई है, कितना यूनिक है। अंदर देखते हैं चल के, काफी एक्साइटमेंट सा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए जम्मू और कश्मीर की कुटीर है, वाह। ये देखिए गाइस यहाँ से ना आई थिंक खाना वगैरह बनाया जाता था, उसका बर्नर है ये, जम्मू और कश्मीर का है। ये देखिए इसमें खाना वगैरह बनाया जाता था, ये पूरा ओपन करके देख सकते हैं, ये यहाँ का बर्तन है। और गाइस यहाँ पर हम आए हैं कोलू में, ये देखिए कोलू का सेक्शन है। यहाँ पर मूंगफली के तेल और ऑयल वगैरह निकाला जाता था, जिससे इसका भी हमें ऑयल निकालना हो या कुछ पीसना हो तो बैल के थ्रू निकाला जाता था। मुझे याद है मैं शिंडी गई थी तो वहाँ पे गन्ने का जूस निकाला जा रहा था बैल से। और गाइस यहाँ पर है गटुलिया बैलगाड़ी, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, इस तरीके से रहती थी। और ये आज के टाइम में भी बहुत अच्छी लग रही है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग है, लाइक लकड़ी का भी नहीं है, एकदम लोहे का सा बना हुआ है, बहुत अच्छा, एकदम स्ट्रॉन्ग है, काफी यूनिक है। देव नारायण का देवरा राजस्थान में तो पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये राजस्थान की थीम दर्शाई गई है, अंदर से पूरा मिट्टी का सा घर बना हुआ है। यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हैं, यहाँ पर टोकरी रखी हुई है उनकी, तो यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही दर्शाया गया है जो कि भगवान को भी हम पूजा कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बैलगाड़ी दिखाती हूँ कि पहले कितने प्रकार की बैलगाड़ी होती थी। ये देखिए अलग अलग प्रकार की थी, इसमें आप पीछे सवारी बैठ के जाया करती थी, जो कि पूरा ऊपर से ढका हुआ है, और ये एकदम ओपन है, इसे बग्गी भी बोलते हैं। और ये देखिए गाइस पूरा पीछे तक ये सारी बैलगाड़ी है, और वो एंड में देखिए वो तो साइड में से कवर है, पीछे से पूरी ओपन है। गाइस ये है गोंड कुटीर, ये जस्ट एक कुटिया टाइप बना रखी है, बिल्कुल ओपन में है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गांधी जी का जो चरखा होता है जिसे धागा वगैरह बनाया जाता है, वो मशीन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल कुटिया टाइप। अब हम जा रहे हैं कुल्लू कुटीर में, जो कि आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पर आपको ये कुल्लू मनाली में मिलेगा, कुल्लू में मिलेगा। तो वहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये टेम्पल टाइप है और ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। और वैसे इसमें अंदर से भी जाने का रास्ता है, इसमें से एक लेडी निकली थी, शायद से कोई रहता भी होगा पता नहीं, तो मैं अंदर नहीं जा सकती। और ये देखिए ऊपर भी आप यहाँ से जा सकते हो, वहाँ से आप अच्छी फोटोज ले सकते हो अगर आपको परमिशन मिले। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ वेस्ट बंगाल हट में, वहाँ पे बंगाल में आपको पता है दुर्गा माता को बहुत मानते हैं, तो वहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। ये देखिए ये पूरा मंदिर है, माता की पूजा की जाती है। सो गाइस ये बेसिकली कॉन्डक मोरुंग अथवा पारंपरिक पुरुष है, इसमें सिर्फ पुरुष रह सकते थे। ये देखिए यहाँ पर आपको तलवार मिलेगी, और पुरुष की तरह मतलब एक स्टैचू टाइप होता है यहाँ पे, वो मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी ये है बन्नी हट, जो कि बन्नी कुटीर बोलते हैं, गुजरात में पाई जाती है। ये आप औरों से देख सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है, ये बिल्कुल कैप टाइप में आ रही है झोपड़ी, इसके नीचे क्या ये पुताई, इसे पुताई बोलते हैं, जो कि गोबर और चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। और यहाँ पर देखिए आई थिंक ये उनका टेम्पल है, जो कि गुजरात में होता है, यहाँ पर पूजा की जाती थी। या फिर आप पता नहीं, मुझे ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता, पर ब्लॉक बहुत सुंदर है ये, इसके ऊपर नक्काशी की गई है, यहाँ पे मिरर वर्क किया हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर। कुछ अलग बताती हूँ, एक्चुअली गुजरात में विवाह होता था तो एक विवाह स्तंभ होता था, जो कि विवाह स्तंभ है ये जो सेंटर में है, मतलब काफ़ी यूनिक है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, पर मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा कि विवाह का भी कोई स्तंभ होता है। आई थिंक ये विवाह करते उन्हें आना पड़ता था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो कि भरवाड़ा समुदाय के लोग यूज़ करते थे। और गई जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है निकोबार कुटी, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और यहाँ पे आपको सीढ़ी भी दी हुई है जाने के लिए, आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हो।
ये एक्चुअली क्या है, इस कुटीर के अंदर आपको रहने का दिया हुआ है, अंदर से पूरा घिरा हुआ है लेकिन ऊपर एक रूम टाइप बना हुआ है जो कि इस सीढ़ी से है। ये मैं जा रही हूँ यहाँ के कुएं में, है कुआ, देखने देखते हैं कैसा है। कुछ भी नहीं है इसमें, गहरा भी नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ है कुआ। काश ये गहरा होता देखने के तो लिए मिल गाइस, अब जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हम हर राजस्थानी वगैरह भी चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पे उनकी चीज़ों को दर्शाया गया है, उनकी यहाँ पे मार्केट भी है और यहाँ पर उनके कुछ गाने वगैरह भी गाए जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं हवेली का दरवाजा में, देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और हम अंदर नहीं जा सकते, बट है काफ़ी डिफरेंट, स्टार्टिंग में ही गणेश जी है, अच्छा है, बट हम अंदर नहीं। गाइस ये देखिए, ये है चराकू बेसन, ये खाना वगैरह बनाने के लिए काम आता है। देखिए मेरा मन है कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, काफ़ी अच्छी। सो गाइस यहाँ पर आपको ये रहा कैफे, यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर आपको फूड ट्राई करना है तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि मुझे बाहर। गाइस ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी डिफरेंट भी है, मतलब यहाँ पे आपको कल्चर के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है और यहाँ पर आपको जगह जगह सिटिंग भी मिलेगी एंड वॉशरूम भी है एंड यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है। और वैसे यहाँ पर कैंटीन भी है, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप कैंटीन भी जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरी सुविधा आपको दी गई है। और यहाँ पे अभी एंट्री जो है वो फ्री चल रही है आप कुछ दिन के लिए, और यहाँ पर अंदर अभी कुछ वर्क भी चल रहा है, बाकी उसकी टिकट वगैरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।